एक दूर घने जंगल में एक आम का घमंडी पेड़ रहता था। वह अपने उसके ऊपर बहुत सारे आम थे। वह अपने आमों को किसी को नहीं तोड़ने देता था। तब मीनू मौसी उड़ रही थी। वो बोलती है, मुझे अपने आम तोड़ने, बोलता है मैं अपने आम किसी को नहीं तोड़ने देता, चलो जाओ यहाँ से। अब तो मीनू मौसी घर पर आ जाती हैं। फिर काला कौआ उड़ रहा होता है वहाँ से। वह देखता है, अरे ये तो आम का पेड़ है, यहाँ से कुछ आम खा लेता हूँ, चलो देख कुछ आम खा लेता हूँ। वो देखते देखते जा रहा होता है, तभी वो उसके ऊपर बैठ जाता है खाने के लिए आम। तभी वो गुस्सा हो जाता है, घमंडी पेड़ बोलने लगता है, मैं अपने आम किसी को नहीं खाने देता, जाओ तुम यहाँ से अपने घर पर जाओ। फिर वो बैठा रहता है वहीं पर और वो नीचे उतर जाता है, हिलना हिलने लगता है, वो उतारने लगता है, उतर जाता है काला कौआ, गिर जाता है ज़मीन पर। फिर वो बोलता है, मैं जा रहा हूँ तुम घमंडी पेड़, मैं जा रहा हूँ अपने घर पर, तुम घमंडी पेड़ के ऊपर से मैं नहीं खाऊँगा आम, जा रहा हूँ मैं अपने घर पर। फिर काला कौआ अपने घर पर आ जाता है। फिर मीनू मौसी और पिंकी दोनों बात कर रही होती हैं, तो वहीं पिंकी और मीनू मौसी, पिंकी चढ़ती है आम के पेड़ पर खाने के लिए आम। तभी पिंकी खाती रहती है आम को। तभी क्या नाम है, चिड़िया वो भी चढ़ जाती है आम के पेड़ पर खाने देखने के लिए कैसे खा रही है आम। तभी कबूतर भी देखता है आम के पेड़ को, बोलता है मैं भी खाऊंगा आम के पेड़ आम आम को। वो चिड़िया आ जाती है वहाँ पर, बहुत सारे आम के पेड़ होते हैं, बोलती है मैं भी, ये मेरे पेड़ हैं ये सारे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बोलती है, अरे तुम्हारे पेड़ नहीं है। कबूतर बोलता है, ये मेरे पेड़ हैं, ये तुम्हारे पेड़ नहीं है। बोलता है, ये मेरे पेड़ हैं। फिर वो रोने लगती है और वो जंगल में अपने घर पर चली जाती है। फिर वो दोनों बात करने लगते हैं, वो दोनों चिड़िया। फिर अपने घर पर आ जाती हैं, अपने घर पर बुला लाती हैं वो, और बात करती रहती हैं उससे। वो बोलता है, अरे ये आम का पेड़ तो बहुत घमंडी है, हमें खाने ही नहीं देता। हाँ सही कहते हो तुम, ये बहुत घमंडी है, हमें खाने ही नहीं देता आम। अरे चलो तो कुछ इसका कुछ उपाय ढूंढना होगा, इसका लगता है ऐसे नहीं सही होगा ये आम का पेड़। चलो इस एक काम करते हैं, चलो उससे बात करते हैं, ऐसे क्या पता वो हमारी मदद कर दे और फिर वो हमें अपना आम का पेड़ खाने दे। चलो तुम्हारे घर पर चलते हैं अभी, चलो अभी उसके पास चलते हैं। हम दोनों उड़ के जंगल में पहुंच जाते हैं आम खाने के लिए। अरे होशियार रहना, वो आम का पेड़ बहुत घमंडी है, वो तुम्हें खाने नहीं देगा अपना आम। फिर वहाँ पर काला कौआ आ जाता है, वो दोनों बात कर रहे होते हैं और काला कौआ भी आकर बैठ जाता है, और काला कौआ बैठ जाता है और तीनों बात करने लगते हैं। काला कौआ कहता है, चलो मैं भी चल रहा हूँ तुम्हारे साथ आम के पेड़ के पास। बोलता है, अरे नहीं वो बहुत घमंडी है, उसके पास मत जाना। काला कौआ फिर तीनों यहीं रहने लगते।